योगी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। कल यानी 21 अगस्त को राजभवन में होने वाले नए मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजी जा चुकी है। कहा जा रहा है कि पश्चिम यूपी से योगी कैबिनेट को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है, साथ ही पूर्वांचल के कई चेहरों को भी प्रमोशन दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, नॉन परफॉर्मर मंत्रियों की छुट्टी भी तय है, साथ ही कई अन्य मंत्रियों को संगठन में भी भेजा जा सकता है। इसकी शुरुआत स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पहले ही हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक करीब एक दर्जन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अशोक कटारिया MLC, विद्यासागर सोनकर MLC, विजय बहादुर पाठक MLC, बुक्कल नवाब MLC, उदयभान सिंह फतेहपुर सीकरी, कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर, अनिल शर्मा बुलंदशहर, पंकज सिंह गौतम बुद्ध नगर, संजीव राजा अलीगढ़, नीलिमा कटियार कानपुर, दल बहादुर कौरी रायबरेली, आशीष पटेल अपना दल, इनके नाम को लेकर चर्चा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि करीब 4 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोट भी किया जा सकता है। इनमें महेंद्र सिंह, सुरेश राणा, अनिल राजभर और उपेंद्र तिवारी का नाम शामिल है। गौरतलब है कि योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 19 अगस्त को होना था, लेकिन अचानक इसे टाल दिया गया था। कहा जा रहा था कि कुछ नामों पर असहमति की वजह से कैबिनेट विस्तार को टाला गया है। जातीय समीकरण के चलते भले ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी ना हो, लेकिन उनका विभाग बदला जाना तय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस तरह से इस विस्तार में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करती है। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।